नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित के चचेरे चाचा पर मारपीट और अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। कड़ी मलेरा थाने में इस बाबत एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप दीक्षित के ऊपर मारपीट और अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। बुधवा प्रजापति के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि FIR जो दर्ज है उसमें रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट होना बताया गया है। अलग इस मामले में जब विधायक नीरज दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और अगर मारपीट हुई है तो पुलिस का जो काम है वो अपना काम करेगी। जो हमारे गाँव के बुधवा प्रजापति हैं इनको प्रदीप दीक्षित ने मारा है, जो वर्तमान नीरज दीक्षित विधायक उनके चाचा हैं। 2 साल पहले विधायक जी के पिताजी ने मारा था इसको, तो उसको राजीनामा का दबाव बनाने के लिए कह रहे थे कि राजीनामा दे दो, इसने इनकार कर दिया तो वो उसको गरेला तगेला से गाड़ी पे उठा ले गए और फिर जाके मलका गली में इनको मारा और मरण अवस्था में मार के वहाँ डाल गए। वहाँ जिन उनके घर के यहाँ से निकला अपने आटा की बोरी ले कर, तो काम के लिए कहा कि मेरा ये काम कर दो, इसने कह दिया कि मुझे मान लो टाइम नहीं है, तो इस कारण उन्हें मारा था। कहाँ की विधायक हैं वो लोग? महाराजपुर के। विधायक नीरज दीक्षित के चाचा प्रदीप दीक्षित ने मारपीट की है। इन लोगों ने ऐसी की है कि जो विधायक जी हैं उनके पिताजी विनोद दीक्षित थे, तो उनने 2 साल पहले हमको मारा था 3 लोगों ने, तो हमने केस लगवा दिया था हरजन और उसमें राजीनामा का प्रस्ताव रखा और राजीनामा ना देने के कारण इनने हमको प्रदीप दीक्षित ने उनके विधायक जी के कहने से हमको गाड़ी में बैठा कर गरेला तगेला से और बैठा लिया, जबरदस्ती खींच लिया और मलका और नमऊ के बीच में मार दिया लोहे के डंडा से किया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। जे नौगांव क्षेत्र के महाराजपुर क्षेत्र के विधायक हैं। ये बधुआ प्रजापति करके एक व्यक्ति ने कल रिपोर्ट की थी आरोपी प्रदीप दीक्षित के खिलाफ में। चूँकि एट्रोसिटी एक्ट का मैटर था जिसमें मारपीट सहित एट्रोसिटी एक्ट की धारा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायतें ये थी कि उसको गाड़ी में बैठा करके ले गए और आगे ले जा करके उसके साथ मारपीट करके और छोड़ दिया था उसे। अभी कल ही पंजीबद्ध हुआ है अपराध और आज मीटिंग के बाद में जाकर के उसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारें मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स। हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, अडवारा रोड, छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552।